माजी साहब अवां ओवरऑल इन कॉन्फ्रेंस से कमेंट कंदा कामयाबी से पुजाणी से पौती खास जयशंकर साहब जो उन्होंने गालियन के अवां कें दिठो उन्होंने स्टेटमेंट हुई कॉन्फ्रेंस दौरान या वापसी तेन जो ट्वीट किया है या उन्होंने तो हि जो कॉन्फ्रेंस है उनमें भारत जो शरीक थियण ए गो गुन यो भी कॉन्फ्रेंस के कामयाब बनाने में भी जो इंडिया के किरदार हो उन्होंने भरपूर किरदार भी निभायो पाकिस्तान के मुबारक भी दिनी मेज़बानी जी वींदे वींदे भी शुक्रिया अदा कियो या जो उन्होंने बयान दिनों पाड़ेसरी मुल्कन के हवाले से अमन के हवाले से तिजारत के वधाइण के हवाले से मेहरबानी नसीर साईं ऐसो पहली गाल ते ही एकड़ो तमाम वडो इवेंट हो उन्हें में मानन के खतरा ए खदशा हुआ त खैर को भी सा थी ने एक त स्टेट के पाकिस्तान की हुकूमत के मुबारकबाद हो जे एडो इवेंट जो है सो उन्होंने सक्सेसफुली जो है वो कंक्लूड थो शेंघाई कॉन्फ्रेंस हुई वह न सिर्फ उन्हें पाकिस्तान जो पर पूरी दुनिया जो अखियों में तेज कर बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान जो है वह मुबारक जी मुस्तक है जिस तीन तालुक है तको इंडिया की गाल तो इंडिया जो है उन पाकिस्तान एडी वही हॉस्पिटलिटी है या एडो वो उनके वेलकम किया है उन्हें यो तो जेस्चर एटलीस्ट हो पाकिस्तान में जो है वो जो है उनकी हॉस्पिटलिटी के सारा पर उन जी बी का गाल जो है पब्लिक न कंदी माना वो ट्रेड ए बिन गाल में एज सच इंटरेस्टेड को पे लगा जो गाल कई है तो अस जो उनके जो है सो पब्लिक न कंदी माना मीडिया से वह गाल करण चाहे तो भले पाया कर बी गाल समझ में आई वह यह है जो वजीर आजम जो खिताब हो उन्हें में भी वो मीनिंगफुल लगी उन्हें में उन्हें जो चाइना जो वो अजीम रोल है सी पेक में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अस पे भी गाल कई तो चे तो इन का पान के थोड़ा अगत खे यो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइ पर अस पाकिस्तान की जो सस्टेनेबिलिटी है जो मुल्क जहाँ जो नंढा मुल्क है उनकी इक्सादी सस्टेनेबिलिटी है उदे ही वन घुर्जे कनेक्टिविटी से असा के जो है सो जोर दियण खे उन डिफरेंट मीन्स भी बुधाया सो इहा जेका जेकडे थिंकिंग हुकूमत ते पाकिस्तान के आए त मुझे ख्याल है इहा कमेंडेबल है छो त रुगो रोड रस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इन जी जरूरत ना है पर जो सोशल वेलफेयर की गाल है एनवायरमेंट की गाल है क्लाइमेट जो चेंज है उन्हीं की गाल है जो बिहार चैलेंजेस खिते के अमन है ये सब शेयर इंपॉर्टेंट है ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर पाँच जगह से इंपॉर्टेंट है बो जो मुल्क की इंटीग्रिटी है सो मुख्य वजीर आजम जो खिताब हो वो इंतहाई मीनिंगफुल लगो बेहतरीन तकरीर क्राफ्ट थल हुई लिखल हुई मुख्य उन इंस्पायर कर फर्स्ट टाइम बी गाल वजीर आजम साहब की रशिया के जो वजीर आजम है उन्हें सा भी उनकी मुलाकात थी है नंढी रियासतों के उनकी एज सच इंपॉर्टेंस ना है वे यकीन उनको टोटल है रियासतों रशिया में का अलग है बाकी कुछ रियासतों के आगे रशिया जो हिस्सों हो उतने यकीन जैसा तरक्की थल है पर उनका एज सच इंपॉर्टेंस को भी इकोनॉमिकल इशूज तमाम वा पर मेनली जो इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में वो एक चाइना बो रशिया टों इंडिया ये टे मुल्क इनकी वही अहमियत है ये टे मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम से एक टेबुल वेह मुझे ख्याल है या पाकिस्तान की वही खुशकबख्ती है सही।